C40 के इस सम्मेलन में दुनिया भर के शहरों से आए हुए सभी मेयर्स को, मंत्रीगण को और सभी नगर अध्यक्षों को दिल्ली के लोगों की ओर से, भारत के लोगों की ओर से, मेरी ओर से सबको नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज दुनिया भर से यहाँ पे इतने सारे लीडर्स इकट्ठे हुए हैं क्लाइमेट चेंज को, पोल्यूशन को चर्चा करने के लिए। और इसी वक्त दुनिया के एक और कोने के अंदर एक छोटी सी लड़की ग्रेटा थनबर्ग, उसने पूरी दुनिया के अंदर हंगामा खड़ा किया हुआ है। ग्रेटा थनबर्ग जो बोल रही है उससे पूरी दुनिया के युवा, पूरी दुनिया के लोग उसके समर्थन में खड़े होते जा रहे हैं। ग्रेटा थनबर्ग ने यूएन में बोला था, यू ऑल कम टू अस यंग पीपल फॉर होप, हाउ डेयर यू, यू हैव स्टोलन माई ड्रीम्स एंड माई चाइल्डहुड विद योर एम्प्टी वर्ड्स, पीपल आर सफरिंग, पीपल आर डाइंग, एंटायर इकोसिस्टम्स आर कोलैप्सिंग। हम लोगों में से कई लोग ग्रेटा थनबर्ग के तरीके से असहमत हो सकते हैं, हमारे में से कई लोग ग्रेटा थनबर्ग से असहमत हो सकते हैं, लेकिन ग्रेटा थनबर्ग ने जो मुद्दा उठाया क्लाइमेट चेंज का और पोल्यूशन का, उससे पूरी दुनिया उसके साथ जुड़ती जा रही है। और जिस तरह से इस मुद्दे को उसे समर्थन मिल रहा है, कई शहरों के अंदर लाखों युवा सड़कों के ऊपर हैं, सोशल मीडिया के ऊपर उसे जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि पूरी दुनिया के लोग अब क्लाइमेट चेंज के ऊपर कॉन्क्रीट स्टेप्स की उम्मीद करते हैं हम सब लोगों से। और लोग तैयार हैं, लोग केवल तैयार नहीं है, लोग हमसे डिमांड कर रहे हैं। ये बात मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। हमारी दिल्ली शहर के अंदर, दिल्ली स्टेट के अंदर हमारी सरकार बनी थी 2015 में। दिल्ली में बहुत पोल्यूशन था, पोल्यूशन की वजह से लोग बड़े दुखी थे। और मुझे याद है 2015 की सर्दियां, सर्दियों के अंदर आप सब लोग जानते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से जितना स्मोक होता है वो सारा का सारा एक तरह से शहर को एनगल्फ कर लेता है। सर्दियों में 2015-16 की सर्दियों के अंदर मुझे याद है बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया था। मेरे कुछ मित्रों ने मुझे सुझाव दिया कि एज एन इमरजेंसी स्टेप हमें ऑड इवन करना चाहिए। ऑड इवन क्या होता है? ऑड इवन इज राशनिंग ऑफ व्हीकल्स। उसमें यह होता है कि ऑड डेट्स के ऊपर, फॉर इंस्टेंस 1st जनवरी, 3rd जनवरी, 5th जनवरी, ऑड नंबर की प्लेट्स, ऑड नंबर वाले व्हीकल्स चलेंगे, और इवन डेट्स के ऊपर इवन नंबर वाले व्हीकल्स चलेंगे। सो जैसे ही आप ऑड इवन लागू करते हैं 50% व्हीकल्स गो ऑफ द रोड, तो इससे पोल्यूशन तो कम होता है, डेफिनेटली होता है। जब 50% व्हीकल्स सड़क के बाहर चले जाते हैं तो पोल्यूशन कम होता है। तो मुझे कुछ मित्रों ने बताया कि अगर हमने ये किया तो जनता नाराज हो जाएगी, इट विल हैव पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, जनता विद्रोह करेगी, इट्स अ वेरी हार्श स्टेप। लेकिन पोल्यूशन को दूर करने के लिए हमने तय किया कि इसे हम करेंगे। और मैंने जाके जनता को समझाया, टीवी पे, रेडियो पे मैंने जनता से बात की, मैंने उनको समझाया कि किस लिए ऑड इवन जरूरी है, पोल्यूशन को कम करना किस लिए जरूरी है। 1st जनवरी से 15th जनवरी 2016 को हमने ऑड इवन लागू किया दिल्ली के अंदर। हमें डर था कि लोग इसे पसंद नहीं करेंगे, हमें डर था कि हमें बहुत सारे चलान करने पड़ेंगे, फाइन लगाने पड़ेंगे। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि दिल्ली की जनता ने इसको बहुत जबरदस्त समर्थन दिया। बहुत कम नेग्लिजिबल फाइन्स हमें लोगों के ऊपर लगाने पड़े, लोगों ने इसको खूब जम के इसका समर्थन किया, लोग बहुत खुश थे, लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा था, उससे हमारे हौसले बहुत बढ़ गए। और उसके बाद एक एक करके हम लोगों ने ढेरों स्टेप्स उठाए दिल्ली के अंदर पोल्यूशन कम करने के लिए। हमने डीजल व्हीकल्स के ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो डस्ट उड़ता था उस पर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए। हमने कोल बेस्ड हमारे जितने पावर प्लांट्स थे वो सारे बंद कर दिए। हमने दिल्ली के अंदर बहुत बड़े स्केल के ऊपर एफॉरेस्टेशन किया। और आज 4 साल के बाद दिल्ली का पोल्यूशन 25% कम हो गया। ये बहुत बड़ी, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि पोल्यूशन बढ़ना बंद हो गया, पोल्यूशन कम हो गया, 25% कम हो गया। अभी हमें और भी काफी कुछ करना है,
वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद जस्ट 25% रिडक्शन इन पोल्यूशन. हमारा बहुत इट्स जस्ट अ बिगनिंग, हमें और काफी लंबा रास्ता तय करना है. लेकिन मैं यहां पे आप लोगों को जो हमने स्टेप्स लिए उसकी लिस्ट बताने की मेरी कोशिश नहीं है. मेरी कोशिश ये है कि अगर हमें कोई भी बड़ा बदलाव करना है उसके लिए लोगों को साथ लेना जरूरी है. नंबर दो, दुनिया के लोग इस टाइम तैयार हैं. दुनिया के लोग केवल बातें नहीं सुनना चाहते, दुनिया के लोग कॉन्क्रीट स्टेप्स चाहते हैं. और अगर हम कोई भी कॉन्क्रीट स्टेप उठाते हैं, अगर हम जनता को एक्सप्लेन करें और उनको साथ लेके चलें, लोग हमारा साथ देंगे. ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं. और जो सपोर्ट ग्रेटा थनबर्ग को पूरी दुनिया के अंदर मिल रहा है उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूं. अंत में मैं केवल ये कहना चाहता हूं, गुड एनवायरमेंटल पॉलिसीज ऑल्सो मेक गुड पॉलिटिक्स. थैंक यू. जय हिंद.